हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस के बारे में। ये लेक्चर 1 है और आगे भी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आप सभी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स, अपने जो भी फीडबैक है या फिर अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अपने सोशल मीडिया लिंक्स दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं या कोई अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक उसी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। पहले क्वेश्चन यहाँ पर है कि सी प्लस प्लस क्या है। अच्छा तो बताता हूँ मैं आपको, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा तो आप कहेंगे भैया ये तो मैंने पहले भी सुना हुआ था कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैं आपको अच्छा नई बात बताता हूँ आपको कि आपने सुना होगा एक सी एक लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज के बारे में आपने सुना होगा। हाँ भैया सुना तो है। अच्छा लेकिन ये जो सी प्लस प्लस है ये सी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंडेड मतलब एक अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। अच्छा भैया तो यानी कि अब आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर सी और ये प्लस प्लस सी प्लस प्लस, इसमें क्या डिफरेंस है? आप कहेंगे अच्छा डिफरेंस प्लस प्लस का डिफरेंस दिख रहा है मुझे। अच्छा तो आपने कहा ये प्लस प्लस क्या होता है? तो मैंने कहा अच्छा सुनो, ये जो प्लस प्लस है ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अच्छा आपने कहा ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? तो मैंने कहा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसके बारे में आपको ऑपरेटर्स की वीडियो में बताऊँगा, लेकिन अभी मैं सी इतना समझ लेते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये डिनोट करता है कि सी का एक अपडेटेड वर्जन है। अच्छा आपने कहा ठीक है भैया, अब चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इसको फाउंड किसने किया। इसको फाउंड किया है बेजार ने, स्टॉस्ट्रप ने। अपने भैया इससे क्या होगा, याद कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार नाम पूछ लिया जाता है, याद रहना चाहिए। अच्छा अच्छा भैया तो अब आप इसमें क्या पढ़ाने वाले हैं? मैंने कहा तो हम बात करेंगे सी प्लस प्लस करेक्टर सेट के बारे में, जो सबसे बेसिक चीज़ है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है शुरू करते हैं। हमने सी प्लस प्लस का करेक्टर सेट क्या होता है बेसिकली, देखिए अगर हम डेफिनेशन वाइज समझें इसको तो इसको हम बोलेंगे एक सेट है ये किसका, वैलिड करेक्टर्स का, जो एक लैंग्वेज समझ सकती है। अपने भैया समझ में नहीं आया, कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करो इसको। मैंने कहा ठीक है भाई चलो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो हम बात कर रहे हैं कि आप सभी लोगों ने, सभी को आती है ये, हम सब ने इंग्लिश पढ़ी है, ठीक है। हाँ इंग्लिश पढ़ी है भैया। अच्छा तो इंग्लिश में क्या होता है बेसिकली? इंग्लिश में भैया ए से जेड तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, अगर ए एक सिंगल है ठीक है तो इस ए को क्या बोलेंगे? ए आपका लेटर है? अपने हाँ भैया लेटर है, ठीक। तो मैंने कहा जब ये जो ए से जेड तक सारे हैं, ठीक है, ए से जेड तक जो ये सारे के सारे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? आपने कहा ए से जेड तक। मैंने कहा भैया इनको हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया बात है, इसको हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपके ए से जेड का जो सेट है उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, उसी तरीके से जो इसके वैलिड करेक्टर्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर हम उसके सेट को करेक्टर सेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा भैया समझ में आया, ठीक भैया। इसके अंदर करेक्टर सेट के अंदर इंग्लिश में तो ए से जेड तक होता है सिर्फ, तो इसमें क्या क्या होगा? इसके अंदर लेटर भी होगा, डिजिट भी होगा इस करेक्टर सेट में, और कुछ अदर साइन। अदर साइन क्या भैया? चलो मैं आपको बताता हूँ अदर साइन कौन कौन सा होगा, ठीक। अब बात करते हैं, ठीक। अब पहले हम बात करते हैं लेटर्स की। अच्छा भैया लेटर्स में ये दो, ये ए से जेड, कैपिटल भी है स्मॉल भी है। अच्छा अभी तो कैपिटल स्मॉल तो हम अपनी जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको, लेकिन हम बात करें अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो हम इसको बोलते हैं जो आपके ये कैपिटल लेटर्स हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं अपर केस। क्या बोलते हैं? अपर केस, ठीक है। अच्छा भैया अपर केस, ठीक है। और ये भैया स्मॉल वाले क्या बोलते हैं? तो हम स्मॉल वाले को बोलते हैं लोअर केस। अच्छा भैया ठीक है, चलो भैया अपर केस और लोअर केस समझ में आ गया, ठीक है। अब जो डिजिट्स हैं ये जो आपके सिंपली 0 से 9, ठीक। अब कुछ स्पेशल सिंबल्स भैया दिख रहे हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। अच्छा ठीक है बताता हूँ स्पेशल सिंबल्स के बारे में, स्पेस। स्पेस भैया ये कैसा स्पेशल सिंबल है? यानी जब हम कोई भी नेम लिखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने अगर अपना नेम लिखा
नेम या फिर हम कोई वर्ड नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तो क्या करते हैं, दो के बीच में स्पेस देते हैं। हाँ देते हैं। तो ये जो स्पेस होता है ना, यही आपका एक स्पेशल सिंबल है। इसके बारे में आज आइडेंटिफायर से बात करेंगे हम। फिर आपने भैया ये बहुत सारे दिख रहे हैं, ये तो सारे वही स्पेशल सिंबल जो कीबोर्ड में देखे हैं। मैंने कहा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा भैया इनके वो यूज़ है क्या स्पेशल सिंबल्स का? मैंने कहा यूज़ तो बहुत है, क्या ये हमें याद करने हैं? याद तो ये आपको मतलब हो जाएंगे धीमे धीमे, लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ आएगा वो आएगा आपका आइडेंटिफायर्स के टाइम पे। अच्छा ठीक है, तो हम उसकी आइडेंटिफायर्स के टाइम पे बात करेंगे, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, फिर वाइट स्पेसिस थोड़ी बात करते हैं। वाइट स्पेस में क्या होता है? ब्लैंक स्पेसिस, हॉरिजॉन्टल टैब और कैरेज रिटर्न। भैया चलो ये वाला साइन तो हमने देखा हुआ है, ये कैरेज रिटर्न ये क्या होता है? जो आपके एंटर का बटन होता है ना, कौन सा बटन है ये? एंटर का जो बटन होता है आपका, ठीक है, उसको हम कैरेज रिटर्न बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। अब जो इसका साइन होता है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है, एरो साइन और ऐसे इस तरीके से। आपने कहा ठीक है भैया समझ में आया कुछ कुछ, मैंने कहा ठीक। फिर न्यू लाइन और फॉर्म फीड, ये आपके कुछ वाइट स्पेसेस हैं। अब ये कुछ अदर करेक्टर्स भैया इतने से हो गए, कुछ और भी है क्या इसमें? मैंने कहा हाँ इसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं। इस तरह आपके जो आपकी हिंदी लैंग्वेज में 52 करेक्टर्स होते हैं, कितने होते हैं? 52 करेक्टर्स होते हैं टोटल, ठीक है। उसी तरीके से इसके अंदर कितने 256 ASCII करेक्टर्स होते हैं, ठीक, एस डेटा और लेटर्स, ठीक है। अब ये 256 होते हैं, ओके समझ में आया हमें। अब ये बताइए कि ये हम कैसे पता करें कौन सा करेक्टर वन पे है, टू पे है, थ्री पे है? तो वो तो मैं याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोडिंग करेंगे हम, तब मैं बताऊँगा आपको कि हम कैसे किसी भी करेक्टर का ASCII कोड फाइंड करते हैं। जैसे कि ए से जेड तक है ये आपका, जो ए से जेड तक इसका एक पर्टिकुलर भी रेंज होती है करेक्टर की। स्मॉल ए से जेड है इसका ASCII कोड अलग होता है, 0 से 9 है जो उसका ASCII कोड अलग होता है। आपने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, आपने कहा ठीक, तो भैया ठीक है यहाँ तक तो समझ में आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। अब भैया वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं टोकन्स का, एक थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताना चाहूँगा, ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो इसमें हम अच्छे से बात करेंगे टोकन्स के बारे में। वॉट आर टोकन्स? टोकन्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक, दस अगर हम डेफिनेशन से समझने की कोशिश करें आपको, तो जो टोकन है वो क्या है? इंडी सबसे छोटी यूनिट जो है प्रोग्राम के अंदर, उसको हम टोकन बोलते हैं, ठीक है। ठीक, जो बाहर से नॉइज़ आ रही है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अब जो ठीक है भैया समझ में आया कि टोकन जो है वो सबसे छोटी यूनिट है भैया, लेकिन थोड़ा रिलेट करके समझाओ। चलो रिलेट करके हम बात करते हैं। जिस तरह की बायोलॉजी में हमें एक चीज़ हटाई हुई थी, क्या भैया, कि सेल जो होती है हमारी, जो सेल है वो क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ भैया ये बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, हाँ हमने पढ़ा तो था कभी 9th में, ठीक। जिस तरह सेल आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, उसी तरीके से ये जो टोकन्स हैं, ठीक है, ये बेसिक यूनिट होते हैं आपके किसी भी C++ के प्रोग्राम के। अच्छा ठीक है समझ में आया भैया, लेकिन सेल के भैया बहुत सारे टाइप होते थे। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात भाई, अब यहाँ टोकन है तो उसके बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे तो नहीं, बस 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 5 टाइप में कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड्स और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स की बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।